इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बाबा बर्फानी के धाम में बड़ा हादसा हुआ है। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, हादसे में 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत, सेरा में भाई श्रद्धालुओं की टेंट, हादसे के बाद रोकी गई अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख। दरअसल जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोग लापता होने की खबर आ रही है। 30 से ज़्यादा लोगों की लापता होने की खबर आ रही है। NDRAF, SDRF के साथ ITBP के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। आपको बता दें, ये दरअसल कल शाम यानी शुक्रवार की शाम को अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटा है। बादल फटने के बाद अमरनाथ गुफा में अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरों और वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि बादल फटने के बाद हालत कितने ख़राब हैं। बादल फटने के बाद सैलाब टैंकों के बीच बहने लगा था, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच हाहाकार मच गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए थे। ऐसा सैलाब आया कि हर तरफ कुछ देर के लिए चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच साइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये सभी के चार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अगले आदेश तक के लिए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पिछले 2 साल से कोरोना के चलते हुए बंद थी। इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हुई थी। 43 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा